ठंडा न्यूज का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने ये न्यूज सरकार तक पहुंचाने की काम की है। इसके लिए मैं न्यूज का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। इस सुनसान जगह को पूरे मीडिया हाईलाइट किए हैं, इसके लिए मीडिया का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूं। और मैं झारखंड और मीडिया वाले और हेमंत सरकार की जय जयकार करता हूँ। जय झारखंड, जय झारखंड। बिन लड़ाई कुछ नहीं मिलता यहाँ ये जानकर अब गुरीले ही चलेंगे लोग मेरे गांव के। शायद यही कहावत झारखंड के होमगार्ड जवानों के साथ हुआ है। झारखंड के होमगार्ड जवान आज लगभग एक माह से कुटे स्थित गांव में मैदान जो है उसमें बैठे हुए हैं धरना पर। सरकार इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन आज झारखंड महासचिव जो होमगार्ड के सचिव हैं उनसे जो बातचीत हुई है, इनका डिमांड है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम अपना अनशन और धरना नहीं समाप्त करेंगे। आज इनका जेल भरो अभियान कार्यक्रम था, लेकिन आज मुख्य सचिव से वार्ता होने के बाद इनका लेटर निकलने का आश्वासन दिया है मुख्य सचिव ने। हम इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करते हैं। झारखंड होमगार्ड जवान के सचिव हैं राजीव कुमार जी, उनसे बात करते हैं। हमारी वार्ता वहाँ पर हुई, उसमें एडिशनल होम सेक्रेटरी सर थे और DI साहब थे और टेलीफोन पे होम सेक्रेटरी सर थे, उनसे बात हुई हमारी डिमांड को लेकर। तो सबसे पहले जो एडिशनल होम सेक्रेटरी सर थे उनके द्वारा कहा गया कि सबसे पहले आप लोग धरना अपना समाप्त कर लीजिए और उसके बाद ही हम लोग यहाँ से अपना जो काम करेंगे। हम लोग बोले कि हम लोग धरना समाप्त उसी सत्र पे करेंगे सर, जब हमें लिखित आदेश मिल जाएगा तब। और उसके बाद जब हमारी सारी बातें हुई उसके बाद फिर हम लोगों ने बिहार का उनको पेपर दिखाया, जिस तरह से बिहार में आदेश निकला हुआ है कि जितने भी राज्य सरकार के अंदर जितने भी विभाग हैं, सरकारी विभाग हो उनमें सुरक्षा के कार्य केवल होमगार्ड जवानों से लिया जाएगा। तो इस आदेश को निकालने पर सहमति बनी है, उन्होंने आदेश निकालने का जो वो कहा है कि हम लोग आज आदेश निकाल देंगे। कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में भी उन्होंने कहा है, और जो विधि व्यवस्था में कटौती की गई थी पूर्वती सरकार में उस सीट को फिर से बढ़ाने की भी सहमति बनी है उनके द्वारा कहा गया है इस पर। तो ये सारी जो बातें आज हुई बहुत सकारात्मक हुई और उस वार्ता से हम लोग संतुष्ट हुए हम लोग, और लिखित आदेश का इंतजार हम लोग कल तक का करेंगे। और कल तक लिखित आदेश अगर मिलता है तो हम लोग यहाँ पर अपना धरना को समाप्त करते हुए होली मनाते हुए यहाँ से हम लोग जाएंगे, और अगर कल लिखित आदेश नहीं मिलता है तो फिर हमारा जो आंदोलन जेल भरो आंदोलन का था वो आंदोलन जारी रहेगा। तो हम लोग इंतजार में है कि कब हेमंत सोरेन हम उनको लिखित देते हैं तभी जाके ये धरना हटेगा, नहीं तो जो जेल भरो आंदोलन होने वाला था वो होगा। इसलिए कि हम लोग आज एक महीना से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और बिल्कुल निराशा थे हम लोग। हम लोग के हिंदू धर्म में बहुत सा त्यौहार भी आया लेकिन उस त्यौहार को हम लोग खुशी पूर्वक नहीं मना सके, लेकिन आज जो खुशियां हम लोगों को हेमंत सरकार ने दिया है जिंदाबाद कहना तो लाजमी है। क्या इन्होंने दिया आप लोगों को? हमारे प्रतिनिधि वहां गए हैं, मालूम हुआ कि सार्थक बात हुआ है उनसे। अब मांग हमारा एक ही है कि सिर्फ बिहार के तर्ज पर हमारा ड्यूटी नियमित कर दो बस। और हमको लगता है कि इस संबंध में हमारे प्रतिनिधियों को सकारात्मक जवाब मिला है, इसलिए आज गृह रक्षकों में खुशी है। हम लोग 8 मार्च से बैठे हुए हैं, अभी एक महीना होने जा रहा है। आज आपके सचिव गए थे बात करने के लिए मुख्य सचिव से, क्या संदेश लेके आए? संदेश तो मतलब खुशी वाला ही लाया था और बोला कि शाम तक में हम लोग को लिखित के साथ है। सरकार अगर लिखित के साथ देगा तो हम लोग खुशी घर लौट जाएंगे। हम लोग जेल में जा रहे थे, अगर सरकार नहीं देगा तो हम लोग का राशन भी खत्म हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, जेल तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ हम लोग का फंड में उतना पैसा भी नहीं है, हम लोग ड्यूटी नहीं करते हैं तो कहाँ से फंड में हम लोग का पैसा रहेगा। यहाँ धरना में बैठे हुए हैं और बहुत परेशानी भी झेले हैं, तो आज राजीव तिवारी सर वार्ता करने गए थे तो शाम तक में शायद ही बोलेंगे चिट्ठी आएगा, ऐसे आश्वासन ही मिला है। पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि आज भी आएगा या नहीं आएगा, बस इसी का डर है कि आएगा या नहीं, तो हम लोग को डर भी लग रहा है, लेकिन आधा आधा कुछ आधा ना कुछ ही बोलेंगे, तो देखते हैं शाम तक में आता है कि नहीं। कुछ भी हो रहा है क्योंकि बहुत हम लोग धूप बरसात जो भी मतलब जेल लिए, बहुत जेल लिए हम लोग, ये एक महीना पूरा हो गया है, फिर भी हम लोग का मतलब आश्वासन ही मिल रहा था। बीच में जितने भी विधायक लोग आए थे आश्वासन ही मिला था, लेकिन आज सुनने को मिला है कि शाम तक में चिट्ठी आएगा। देखते हैं, हम लोग शाम तक में इंतज़ार में हैं, चिट्ठी आने का इंतज़ार में हैं। जैसा कि आप सुन रहे थे होमगार्ड जवानों के मुखारबिंद से
कि हम लोग चिट्ठी के इंतजार में पड़े हुए हैं। देखना है मुख्य सचिव कब तक ये लोगों को चिट्ठी दे पाते हैं। सुबोध कुमार पाठक अपने सहयोगी नीतीश मेरे साथ, थंडर न्यूज़ रांची।